Тогда типа цена посчитать потери. Сумы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лид, поцелуй на шею. Эй, карты дома. Правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стер на гая. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда типа цена посчитать потери. Сумы нули погибают на сцене. रेफरीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लेजेंडरी रेफरीज़ का हमारे दिमाग में नाम आता है, लेकिन एक रेफरी जो इन सबसे स्टैंड आउट करते हैं और मेरी हम्बल ओपिनियन में ही इज़ द बेस्ट रेफरी ऑफ ऑल टाइम, उनका नाम है पेर लुइजी कोलिना। कौन है पेर लुइजी कोलिना, क्या बातें हैं जो उनको सबसे अलग बनाती हैं और रेफरी से, और क्यों वो मेरी नज़र में आज तक के सबसे बेहतरीन रेफरी हैं, आइए नज़र डालते हैं। पियर लुइजी कोलिना का जन्म 13 फरवरी 1960 में बोलोनिया इटली में हुआ था, और इटली में पैदा हुए हर बच्चे की तरह कोलिना को भी बड़ी छोटी उम्र में ही फुटबॉल का बुखार चढ़ गया। फुटबॉल के साथ साथ पढ़ाई में भी कोलिना काफ़ी तेज़ थे, और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में अपनी क्लास में स्टैंड आउट करते थे कोलिना, जितने भी क्लास प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें। और बहुत जल्दी फुटबॉल खेलने के बाद उनको समझ आ गया कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर वो नहीं बन सकते। ऑल्दो उनका स्टैचर बड़ा अच्छा था, 6 फुट 2 इंच की उनकी हाइट थी और वो सेंटर बैक की तरह खेलते थे जितनी भी उन्होंने फुटबॉल खेली, लेकिन जब उनको समझ आया कि उनमें एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने की स्किल नहीं है, वो हाईएस्ट लेवल पे फुटबॉल शायद नहीं खेल सकते प्रोफेशनली, तो उन्होंने रेफरी बनना सही समझा और रेफरींग में उन्होंने अपना कदम रखा। तो 17 साल की उम्र में कोलिना ने अपने रेफरी बनने के सफ़र की शुरुआत करी और काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे। लोकली जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे वहाँ पर उन्होंने अपना एक नाम बना लिया था अपनी रेफरिंग स्किल्स की वजह से, क्योंकि वो एक काफ़ी असर्टिव और एक अथॉरिटेटिव रेफरी थे जिनको इंटिमिडेट करना आसान नहीं था, मतलब जिनको आप चढ़ के जिन पे प्रेशर डाल के आप उनको दबा नहीं सकते। और उन्होंने एक अपनी एक कल्ट फॉलोइंग जो है वो बना ली थी लोकल लेवल पर और काफ़ी फेमस होने लगे थे। 30 साल की उम्र में कोलिना को बड़ा ब्रेक मिलता है और सीरी आ और सीरी बी के मैचेस जो हैं उनको रेफरी करने के लिए पिक किया जाता है। उनको निकनेम दे दिया जाता है कोजैक। कोजैक मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अमेरिकन डिटेक्टिव सीरीज थी जो 1970 में अमेरिकन टेलीविजन पे एयर हुआ करती थी, और कोजैक जो थे वो बॉल्ड थे तो वहां से उनका निकनेम पड़ा कोजैक। और एक रेयर सिंड्रोम की वजह से जिसका नाम होता है एलोपीसिया, कोलिना ने अपने सारे बाल खो दिए सर के और चेहरे के, और जिसकी वजह से उनको एक डिस्टिंक्ट लुक मिला। तो एक ये भी कारण है कि मैं उनको क्यों पसंद करता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस वजह से जो है कोलिना का एक अलग स्टैचर बन गया था रेफरिंग वर्ल्ड में, ना केवल सीरिया में बट ग्लोबली वर्ल्ड फुटबॉल में कोलिना की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। एक तो उनका जो ऑरा था, एक उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो सबसे अलग थी, और दूसरा उनका जो स्टाइल ऑफ रेफरिंग था वो बड़ा गजब का था। और जल्दी ही कोलिना का नाम इतना तेज़ी से उठने लगा पूरी दुनिया में फुटबॉल की कि उनको फीफा की तरफ से ऑफिशियल रेफरी बनने का जो है वो कॉल आया, ऑफिशियल फीफा रेफरी बन गए वो। उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई बड़ा मैच था जो रेफरी नहीं किया, इंक्लूडिंग द फेमस 99 चैंपियंस लीग फाइनल जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट मिनट में बायर्न म्यूनिख को हरा के अपने नाम करी थी चैंपियंस लीग। तो इस तरीके के मैचेस हैं लेजेंडरी जो पियर लुइजी कोलिना ने अपने करियर के थ्रू आउट रेफरी करे और अपना नाम कमाया एक दुनिया में फुटबॉल की। और कोलिना से कभी पूछा जाता है कि कौन सा उनका फेवरेट मैच है जो उन्होंने रेफरी किया, तो वो इसी चैंपियंस लीग फाइनल की बात करते हैं। 99 चैंपियंस लीग फाइनल कोलिना का आज तक का सबसे फेवरेट मैच है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। लेकिन जो पीक था उनके रेफरिंग करियर का वो आता है 3 साल बाद 2002 वर्ल्ड कप में। 2002 वर्ल्ड कप का फाइनल कोलिना रेफरी करने के बाद, जो कि ब्राजील ने हरा दिया था जर्मनी को और वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो रोनाल्डो के अलावा और रोनाल्डिनियो के अलावा जो सबसे फेमस चीज उस वर्ल्ड कप से निकली वो थे पेर लुइजी कोलिना। कोरिया और जापान में वो वर्ल्ड कप हुआ था 2002 का फीफा वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप के बाद कोलिना की पूरे एशिया में बहुत ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई थी, इतनी ज्यादा बड़ी कि जापान में प्रो एवोल्यूशन सॉकर 2003 और 2004 के कवर पे पेर लुइजी कोलिना को फीचर किया गया था। और फन फैक्ट ये है कि सिर्फ एकमात्र रेफरी जिनको किसी भी फुटबॉल गेम के कवर पे फीचर किया गया है वो है पेर लुइजी कोलिना। तो इस लेवल की उनकी फैन फॉलोइंग थी, इस लेवल का उनका फेम था और इस तरीके का उनका ओहदा था वर्ल्ड फुटबॉल में, और ना केवल फैंस अराउंड द वर्ल्ड बट प्लेयर्स भी उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और इसका कारण ये था कि IFFHS वर्ल्ड्स बेस्ट रेफरी जीतने वाले कोलिना एकमात्र रेफरी हैं जिन्होंने लगातार 6 बार ये अवार्ड जीता है फ्रॉम 1998 टू 2003,
और सीरिया रेफरी ऑफ द ईयर भी उन्होंने 7 बार जीता है और इटालियन फुटबॉल के हॉल ऑफ फेम में भी उनको इंक्लूड किया था 2011 में और IFFHS ने उनको वर्ल्ड के ऑल टाइम बेस्ट रेफरी का भी अवार्ड दिया था फ्रॉम 1987 टू 2020। मतलब ये कितनी अमेजिंग अचीवमेंट्स हैं। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो पियरलुइजी कोलिना को थ्रू आउट उनके करियर मिलते रहे और वेल डिजर्वेडली, मतलब कोई उनके आसपास भी नहीं था अगर रेफरिंग की हम बात करें उस टाइम पे। कोलिना का स्टेटस और ऊंचा हो गया वर्ल्ड रेफरिंग में जब वो 2005 में रिटायर हुए और आपको याद हो तो 2005 में कालसियो पोली स्कैंडल हुआ था यूवेंटस जिसमें इन्वॉल्व थी, मैच फिक्सिंग स्कैंडल था जहां पे उन्होंने रेफरीज को इन्फ्लुएंस किया था अब डिसीजन अपने फेवर में लेने के लिए और लूसियानो माजी जो उस टाइम यूवेंटस के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे उनका एक फोन कॉल पकड़ा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पियरलुइजी कोलिना को हमको पनिश करना है क्योंकि उनकी रेफरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और वो हमको मैच हरवा सकते हैं अगर वो हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं देंगे तो, या हमारे फेवर में कुछ डिसीजंस नहीं देंगे तो। तो इस तरीके की जो है इंटेग्रिटी थी पियरलुइजी कोलिना की, सच्चे रेफरी थे, ईमानदार रेफरी थे, किसी से दबने वाले नहीं थे और जब ये टेप्स बाहर आई, जब लीक हुई क्राउड में, तो एक जो इनका ओहदा था वो और ऊँचा हो गया और इनके लिए जो इज्जत थी और बढ़ गई लोगों के मन में। तो क्यों कोलिना को इतनी ज़्यादा इज्जत मिली और क्या ऐसा था जो कोलिना को मतलब एकदम अलग बनाता था बाकी रेफरीज से? तो कोलिना की जो एक अथॉरिटी थी वो तो थी फील्ड पे जिसकी हमने बात करी। कोलिना के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस था, जो बचपन में उनको एक मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था तो उसकी वजह से वो अपनी एप्लीकेशन जो थी रेफरी की उसको और बखूबी तरीके से फील्ड पर लेके आते थे और उनकी प्रिपरेशन किसी भी मैच से पहले। ग्रैहम पोल जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर रेफरी है जिन्होंने प्रीमियर लीग में काफ़ी टाइम रेफरिंग करी थी, उन्होंने बताया था जब वो कोलिना के साथ एक मैच पे काम कर रहे थे और वो फोर्थ रेफरी थे उस मैच में, तो उन्होंने कहा था कि कोलिना की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है। दोनों टीम्स में कौन से प्लेयर्स किस तरीके के स्किल्स रखते हैं, कौन सा प्लेयर किस तरीके का गेम प्ले दिखा सकता है, कहाँ पर जो कौन से प्लेयर्स हैं वो कहाँ पर प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पर जो है न्यूसेंस क्रिएट हो सकती है, किस प्लेयर में वो एबिलिटी है ज़्यादा फाउल्स जीतने की और कहाँ पर जो है हमको तैयार रहना है कि किन्हीं दो प्लेयर्स में गर्मा गर्मी हो सकती है। तो इस लेवल की प्रिपरेशन लेके जाते थे कोलिना हर मैच से पहले और अपने जो साथ में असिस्टेंट रेफरीज होते थे उनको भी प्रिपेयर कराते थे जिसकी वजह से वो रेडी रहते थे और फ़र्क नहीं पड़ता था फील्ड पे उनके सामने कितना ही बड़ा नाम खेल रहा हो, कितना ही बड़ा प्लेयर खेल रहा हो, उनकी प्रिपरेशन और उनकी थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा क्लियर होती थी कि वो किसी भी प्लेयर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। कोलिना आज भी फुटबॉल में इन्वॉल्व है, फीफा रेफरी कमिटीज़ के चेयर मैन है और यूएफए रेफरीज कमेटी के मेंबर भी हैं, तो देख रहे हैं कि कैसे नए मेंबर्स जो हैं रेफरिंग कमेटी के उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए और कैसे नए रेफरीज को ग्रूम किया जाए, उसमें वो एक काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वैसे तो पियरलुइजी कोलिना के अनगिनत लेजेंडरी मोमेंट्स हैं जहां पर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया है फील्ड पे, आप जाएं आप चेक कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे कि कोलिना ने किस तरीके से ऑफिशिएट किए थे मैचेस। लेकिन जो उनका सबसे एक मेमोरेबल मोमेंट है कि वो एकमात्र रेफरी हैं इस दुनिया में जिनके साथ किसी प्लेयर ने शर्ट एक्सचेंज करने की मांग करी थी और वो प्लेयर और कोई नहीं डेविड बेकहम थे। इस तरीके का इम्पैक्ट और इस तरीके की छाप छोड़ी थी पियरलुइजी कोलिना ने ना केवल फुटबॉल फैंस पे अराउंड द वर्ल्ड बट प्लेयर्स पे भी। और टर्की में भी पियरलुइजी कोलिना काफ़ी फेमस है क्योंकि कभी भी टर्की का कोई क्लब या उनकी नेशनल टीम नहीं हारी है वो मैच जिसमें पियरलुइजी कोलिना रेफरिंग कर रहे थे। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और अलग अलग रीजंस हैं सबके कि वो क्यों कोलिना को पसंद करते हैं। मैं जब फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहा था तो मैं देखता था कि अरे ये एक रेफरी है और बड़ा मतलब खतरनाक सा गंजा रेफरी, लंबा पतला सा और मतलब जिसको देख के डरते हैं लोग और प्लेयर्स जिसको देख के डरते हैं। मैं डर जाता था जब मैं छोटा था देख के, मैंने कहा यार ये रेफरी बड़ा खतरनाक है। लेकिन जब हम बड़े हुए हमने रेफरिंग देखी और जिस तरीके का आजकल हम रेफरिंग का स्टैंडर्ड देख रहे हैं तो हमको समझ आता है कि पियरलुइजी कोलिना वॉज इन फैक्ट the most legendary and the GOAT referee जो हमने देखे हैं, मतलब he was for me the greatest of all time। तो आप बताएं what is your favorite कोलिना memory अगर आपने उनको रेफरिंग करते देखा है और अगर आप नहीं जानते थे कौन है पियरलुइजी कोलिना तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि थोड़ा सा जाके देखें पियरलुइजी कोलिना किस तरीके से रेफरिंग करते थे फील्ड पे, आपको श्योरली मज़ा आएगा। और अगर वीडियो ही अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लीव अ लाइक, लीव अ कॉमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।